पावर स्टार पवन सिंह ने जहां कई खुलासे किए, वहीं पावर स्टार अपनी पहली पत्नी नीलम सिंह को लेकर भी पॉडकास्ट शो में काफी कुछ कहते नजर आए। जहां पर शुभांकर मिश्रा ने उनसे सवाल किया कि पहले जो हमारी भाभी जी थी उनके साथ ये घटना हुई, फिर ये सब और बाद में कॉन्ट्रोवर्सी, क्या आपको पर्सनल लाइफ को लेकर कभी कोई शिकायत नहीं रही? ऐसे में पवन सिंह कहते नजर आए, कभी कभी तो सोचता हूँ कि प्रभु मेरा इतना परीक्षा क्यों ले रहे हो, मैंने कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है, लेटा हुआ भी रहता हूँ तो भी यही सोचता हूँ कि क्या बिगाड़ा है मैंने किसी का, जितना परीक्षा मुझे देना पड़ रहा है। जिसे आप बड़े सम्मान से कह रहे हैं पहली भाभी, वो मेरे जीवन में देवी थी, और मैं सच में बोलूं तो वो देवी मुझे दोबारा नहीं मिलेगी और ना ही तो उसके जैसी कभी कोई मेरी जिंदगी में आ सकती है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली वो इस दुनिया में ही नहीं है। और इसी से जुड़ा हुआ अगला सवाल भी शुभांकर मिश्रा ने पूछा कि लोगों ने इस चीज का इल्जाम भी आप ही के ऊपर लगाया, इस पर क्या बोलेंगे आप? जहाँ पावर स्टार कहते नजर आए, इस कंधे पर दाग लिखा हुआ था सर जो लग गया। ऐसा नहीं है कि वो अकेले रही हो, 3.5 महीने का साथ था हमारा, माना कि भैया की साली थी लेकिन शादी के बाद तो हमारा अपना था ना, कभी अम्मा रहती थी, भैया रहते थे, बहन रहती थी उनकी, तो हम तो रहते ही नहीं थे क्योंकि काम रहता था, लेकिन जब वो गई तो कंधे पर जो दाग लिखा हुआ था वो तो लग गया, अब क्या कर सकते हैं। इससे ये तो साफ है कि पावर स्टार अपनी पत्नी को जो जगह देते हैं वो जगह किसी और को शायद दे ही नहीं सकते, और वाकई में ये आसान भी नहीं होने वाला। तो क्या कहेंगे आप इस पर, हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। पूर्वांचल लाइफ की ऐसी ही लेटेस्ट और चटपटी अपडेट्स और गॉसिप के लिए बने रहिए अपने फेवरेट चैनल पूर्वांचल लाइफ के साथ।